हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल सीमास किचन चौहान में। आज मैं आपको बताऊंगी बिस्किट केक आप कैसे आसानी से घर पे बना सकते हो। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पे मैंने दो पार्ले मैजिक्स बिस्किट लिए हैं और ये एक इनो का पाउच लिया है और एक पार्ले जी बिस्किट लिया है। इसकी जगह आप कोई भी बिस्किट का पैकेट यूज़ कर सकते हो। यहाँ मैंने वनीला एसेंस लिया है, आप चाहो तो इसे यूज़ कर सकते हो या नहीं भी। शुगर पाउडर ली है मैंने यहाँ पे और थोड़ी सी टूटी फ्रूटी। अब इन सारे बिस्किट को आप मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरीके से। अब इसमें डाल देंगे हम शुगर, आप चाहो जितना मीठा खा सकते हो आप उतनी शुगर डाल सकते हो, या फिर इसमें डालने की ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। अब इसे पानी से अच्छे से मिक्स तैयार कर लेंगे इसका। आप पानी की जगह दूध भी यूज़ कर सकते हो। थोड़ा और पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्स करके ये देखिए इस तरीके से बना लेंगे इसे। इस तरीके का बैटर होना चाहिए। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, अब इसमें डाल देंगे एक चम्मच इनो पाउडर। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही हम इनो डालेंगे ये बैटर फूलने लग जाएगा। ये देखिए इस तरीके से। इनो की जगह आप बेकिंग पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इसमें डाल देंगे वनीला एसेंस एक चम्मच के बराबर। अब इसे मिक्स कर देंगे अच्छे से। अब ऐसा कोई बर्तन लेना है जिसमें हमें केक डालना है, पहले से हम ग्रीस कर लेंगे तेल से। ये देखिए अब इस पर ऊपर से थोड़ा सा मैदा डाल देंगे ताकि केक चिपके ना। अगर आपके पास बटर पेपर हो तो बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हो। अब इसे चारों तरफ फैला देंगे। अब ये बैटर इसमें डाल देते हैं। अब इसे हल्का सा टैप कर देंगे ताकि कोई बबल्स ना रहे। ये इस तरीके से। अब इसके ऊपर से थोड़ी सी टूटी फ्रूटी डाल देते हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में 4 गिलास पानी गरम किया है और इस तरीके का स्टैंड रख दिया है। अब ये केक इसके ऊपर रख देंगे और 20 मिनट के लिए इसे ढक के पकाएंगे। देखिए 20 मिनट के बाद आप चेक कर सकते हो इस तरीके से केक एकदम अच्छे से पक गया है। अब इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखिए ठंडा होने के बाद निकाल लेंगे इसे, एकदम आसानी से निकल जाएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल सीमास किचन चौहान को, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।